बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू बोल नाइट विद अहसन खान। ये आते आते मैं जरा मोबाइल पे किसी को मैसेज, कुबरा खान का मैसेज आया हुआ है। मैं कुबरा खान का मैसेज लाइव सुनना चाह रहा हूँ। वैसे मैंने सुना नहीं क्या है, लेकिन सुन लेते लाइव पे बातें। कुबरा मेरी दोस्त है, कुबरा ने मुझे मैसेज किया। अब पता नहीं आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया, ना ही सुनाई दे क्योंकि हमारी ज़्यादा दोस्ती वाले मैसेजेस भी हैं। शी वॉज प्रेजिंग द सीन दैट वो अलिफ का एपिसोड ऑन एयर हुआ, और आपको पता है अलिफ हर हफ्ते ट्रेंडिंग करता है और अभी भी ट्रेंडिंग नंबर टू है, फिर थोड़ी देर में नंबर वन हो जाता है एवरी डे, फिर तीन तीन दिन रहता है। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट यू पीपल लाइक द एपिसोड एंड माय सीन्स। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। एंड कुबरा, थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी एंड ऑल द फैंस एंड ऑल द पीपल हु लव माई वर्क एंड थैंक यू। बोल नाइट्स, मैं अभी क्योंकि लाहौर में शूटिंग कर रहा था, रहबरा एक फिल्म है जिसकी शूटिंग का पैच वर्क चल रहा था, पिछले महीने भी गया था, अभी भी गया, और आयशा उमर जो हमारी बहुत प्यारी खूबसूरत हैं, तो उनके साथ वो मेरी फिल्म है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे। इट्स ऑलमोस्ट डन, सिर्फ एक दो दिन का काम है, वो रह गया और वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये है सिलसिला चल रहा था। आप लोगों से मुलाकात की इतनी आदत होगी कि जब कुछ दिन अगर गुजर जाए और मुलाकात ना हो तो दिल बहुत उदास होता है कि मैं अपनी ऑडियंस से और अपनी टीम, जो यहाँ पे हमारी टीम है, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो भी हैं, सब लोग जितने भी हैं, उनसे कब मोहब्बत हो गई है और एक वो कहते हैं ना आदत बन गई है रोज़ बात करना या मिलना, और किस तरह से गेस्ट्स हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक लिस्ट आती है जनाब, और उस लिस्ट में एक पूरे जो गेस्ट होते हैं जिनका जब हम सर्वे करते हैं कि लोग किन से मिलना चाहते हैं, फिर सर्वे में उनका नाम आता है, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त, कुछ हमारे शो बिजनेस के ऐसे सितारे, कुछ हमारे ऐसे लोग जिनका नाम तो आता ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी देर से कुछ गायब भी होते हैं किसी वजह से, तो फिर हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, उनको भी मिलना चाहते हैं, तो उनको भी मिल लेते हैं। तो आज भी हम एक अलग सा कॉम्बो आप को हम यहाँ पे मिलवाएंगे उन लोगों से, बड़े प्यारे हमारे लोग हैं। एक नाजी, मैं उनको बुलाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि कभी हम ये सोचते हैं कि कारमा जिसको कहा जाता है ना, कि ज़िंदगी में आप जो करते हैं वो घूम के या तो बहुत जल्दी वापस आता है या बहुत डिले आता है, और या फिर मतलब ऐसा है कि हमारा एक ईमान और अकीदा है कि अगले जहान में अच्छे का सिला अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। मैं ये सोच रहा था, ऐसे मेरे जहन में आ रहा था कि किस तरह से चाइना के एक सर्टन पोर्शन में मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा था, जो कि हम सबको पता है। ऑल दो चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर कुछ हमारे लोगों के साथ ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी, तो इंसान को थोड़ी तकलीफ भी होती है। न्यूज़ वहाँ से बहुत कम निकलती है, लेकिन उसके बाद उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा था, मुसलमानों को, उनसे उनके बच्चे अलग करके उनको एक सर्टन काइंड ऑफ स्कूलिंग में डाला जा रहा था, उनको क़ैद किया जा रहा था सराउंडिंग्स में। लेकिन आप देखें कि फोकस कैसे अल्लाह ने डाइवर्ट किया कि वहाँ पर एक ऐसी जो है वो डिज़ीज़ जो फैल रही है, जो कि इट इज़ लाइक फ्लू, और बहुत से बाकी मुल्कों में जब आपकी वहाँ पे भी चाइना भी उससे निकल आएगा, लेकिन फोकस डाइवर्ट हो गया। देखें, गवर्नमेंट का, पैसों का, लोगों का फोकस कैसे डाइवर्ट हुआ कि अल्लाह ताला ने, हो सकता है ये एक वार्निंग होती है, जब इंसान आप किसी के साथ गलत करते हैं तो यकीनन एक वार्निंग मिलती है इंसान को कि नहीं, आप गलत ना करें किसी के साथ, क्योंकि फिर इस तरह सिला भी मिलता है। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला है, इसलिए कहते हैं कि आप अच्छा करें तो आपके साथ अच्छा होगा। तो ये हमारी तो दुआ है, क्योंकि हम तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ये बात अपने लोगों से शेयर करूंगा, बल्कि आपका रिस्पॉन्स पे चाहूंगा कि क्या वाकई अगर जब मुसलमानों के साथ एक जगह पे इतना जुल्म हो रहा था और वहाँ पे जब ये शुरू हुआ तो वो कहते हैं ना अपनी पड़ गई उनको, और फिर भी हम वी आर देयर टू हेल्प देम, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं अल्लाह ताला, क्योंकि ये एक ऐसा एपिडेमिक है जो कहीं भी फैल सकता है और कभी भी हो सकता है। बट प्रेयर्स आर ऑन, तो पॉजिटिविटी जो है दूसरों के साथ अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो पहली जो हमारी गेस्ट हैं, अब उनके बारे में देखें, मैंने जब अपनी पहली फिल्म की तो शी वॉज अ डायरेक्टर,
But she's a legendary artist of Pakistan. आप इनको देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं. बड़ी जिंदा दिल खातून हैं, बहुत प्यार करने वाली खातून हैं. लेकिन अगर इनको चढ़ जाए गुस्सा, तो फिर वो हाल करती कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. लेकिन इनका क्या काम है. मैंने इनके जो गाने देखे, जो इनकी फिल्म देखी, और मैंने एक इनके साथ प्ले किया. वैसे तो मैंने बहुत इनके साथ काम किया, लेकिन एक इनकी डायरेक्शन में प्ले किया मुट्ठी भर चावल, जो कि एक बड़ा मशहूर नॉवल है. उस नॉवल पे बेस्ड था. मैं, रेशम और बाबर उसमें थे, और बहुत खूबसूरत प्ले है. और इनसे फिल्म्स भी की हैं, तो उन्होंने किया है बहुत काम. आई थिंक इनको मिलवाते हैं. सिर्फ एज अ हीरोइन ज़बरदस्त रह चुकी हैं, डांस और गाना पिक्चराइज करने में मास्टर रह चुकी हैं, और फिर डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्शन भी की, प्रोडक्शन भी की. और अभी तक माशाल्लाह, यू कैन सी हर, शी इज़ वर्किंग, यू मीट हर ऑन एंड ऑफ. तो आज हम अपने शो में उनको बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे. तो बुलाते हैं संगीता साहिबा को. क्या बात है, इतनी हसीना लग रही हैं आप तो. क्या बात है, क्या बात है, खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. इस हुस्न का पहले राज तो बता दीजिए. क्या राज है हुस्न का? ये खवातीन जो बैठी देख रही हैं, वो पूछना चाहती हैं क्या राज है हुस्न का. राज सिर्फ ये है कि किसी से जलो मत, अपने अंदर रहो और हर बात हंस के सहो. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, मैं एक बात आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ लोगों को, जो बहुत कम लोगों को पता है. हम लोग हंस खेल के तो सामने नजर आते हैं कैरेक्टर्स में, बट इन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट भी माशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाया, उन्हें बड़ा किया, और फिर उनकी बेहतरीन जगह पर शादी की, और शादी के बाद भी उनके लिए फिक्रमंद रहती हैं. और ये एक ऐसी फैमिली ओरिएंटेड खातून हैं कि अपनी बेटियों को इन्होंने कहा नहीं पहले पढ़ाई, फिर कहा नहीं पहले शादी, फिर कोई और काम. अच्छा, खुद तो आपने इतनी फिल्में की, तो अपने बच्चों को नहीं लेके आई आप किसी को भी, ये क्या चक्कर है? बस बड़ी स्ट्रगल की मैंने, बहुत काम किया. 12.5 साल की उम्र से आज तक काम कर रही, और अब तो काम के बगैर रह नहीं सकती. हमारे दौर में लड़कियां जो इसी उम्र में आती थी. अच्छा, ज्यादातर लड़कियां कम उम्र में ही आती थी. अच्छा, तो पहला काम क्या किया था आपने? पहली फिल्म थी कंगन. एंड यू वर द हीरोइन? हीरोइन. इतनी छोटी सी एज की हीरोइन यार, बिल्कुल पतली दुबली, कुछ दुनिया का नहीं पता. कौन लेके आया था आपको, ये बताएं? आपकी फैमिली भी साथ थी आपकी? जी, अम्मी अब्बू दोनों साथ थे. ठीक है, ठीक है. रहमान साहब थे वहाँ मशीक पाकिस्तान के, ठीक है, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, आपकी कविता, एक आपकी छोटी बहन जो कि बहुत पॉपुलर एक्टर रही हैं और बहुत हसीन, ब्यूटिफुल, एंड आई सीन हर वर्क, शी इज गॉर्जियस ऑल्सो. एक और आपकी छोटी बहन है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, हिना. हिना, अच्छा, अब हिना जो है वो नाजीन आप टेलीविजन ड्रामों में बहुत देखते हैं. हमने एक उनको कुद्दूसी साहब की बेवा में बहुत देखा और बेशुमार प्लेस में देखा. तो आई थिंक पहले बुला लेते हैं हिना को. आइए हिना. So good to see you. Pleasure is all mine. मैं मैडम जी आपको बताऊं, इनसे पता है कहां मुलाकात होती है मेरी? हम एक हमारे ना दुआ, जैसे म्यूचुअल कहीं पे दुआ होती है या मिलाद होता है, तो मेरी बेगम जब की जाती है मैं उनको ड्रॉप करने जाता हूँ ना, खवातीन का भी होता है कहीं बाहर बैठ के दुआ पे, तो ये वहाँ पे बैठी होती है और दुआएं कर रही होती हैं. मैंने जब मैंने कहा तो हिना है यार, और आप लोगों की मदर भी साथ होती हैं, और जी, 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 माशाल्लाह हिना काम सही जा रहा है सब सही. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मुझे तो बड़ी देर बाद, वैसे हमें तो बड़ा शुरू से पता है, लेकिन लोगों को बहुत देर बाद पता चला कि संगीता जो है, जो इतनी सुपरस्टार, उसके बाद कविता और फिर हिना. लेकिन हिना ने फिल्म में काम नहीं किया, हिना ने बाद में फिल्म्स में काम किया, टेलीविजन से पहले स्टार्ट लिया. नहीं, मुझे उतना हीरोइन टाइप एक वो जो वो वाला कैरेक्टर के डांस वांस ये वो. नहीं, यू वर वेरी यंग. आई वाज वेरी लकी. अच्छा, यू वर लकी, यू नो, यू डिडंट डू इट. नहीं, आई डिडंट डू इट. आई यू हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी. आई मीन हर चीज अपने वक्त से होती है. असल में इसको मैंने अपनी एक फिल्म में साइन किया, तो घर वालों ने धम मचा दिया, दो तो आ गई, तीसरी नहीं आएगी. भाई साहब को मसले हो गए. अच्छा, जबरदस्त, ठीक है. अच्छा जनाब, एक और हमारे पास, आज हम तीन लोगों को आपसे, क्योंकि हमारा ये एक सिलसिला रहा है कि हम मिलवाते हैं आपको, आपके मेरी बड़ी पसंदीदा आर्टिस्ट हैं और आप लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं. उनका पीटीवी का अगर हम पुराना काम देखें,
और फिर आज का जब हम काम देखते हैं तो उनका एक अलग स्टाइल है. इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स भी की हैं और ये तो एक एंगल है जो सामने आपको नज़र आता है, लेकिन एक ऐसी खातून जिन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की कि उसका कोई, वो कहते ना, मुकाबला नहीं कर सकता. उन्होंने मेहनत करके अपनी एक बेटी को ज़बरदस्त तालीम दिलवाई, वो भी इस फील्ड में. इस वक्त डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर शी इज़ देयर. मैं अमर खान की बात कर रहा हूँ, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी कहानी. प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली, द ब्यूटिफुल, द लवली लेडी. मैं कहता हूँ एक बेहतरीन खातून है, फरिया जबीन. क्या हाल है, खैरियत से हैं? कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए बैठिए. आज तो बड़ा क्या बड़ा फैशन किया है यार, जबरदस्त. एहसन से मुलाकात थी तो मैंने कहा जरा शशका होना चाहिए. क्या हाल है आपकी? बिल्कुल, आप बताएं. अमर इतना का अमर मेरे शो में आई और आपका जिक्र भी हुआ, आपने यकीनन वो शो देखा होगा. मैंने वो शो देखा, मैं इतनी खुश हुई ना, मुझे तो छोड़े खुद अमर बहुत खुश थी. अच्छा। कहती है देखे कि एहसन एक अच्छा आर्टिस्ट ही नहीं है, एक अच्छा इंसान भी है. कहती है अम्मा जी मेरे से उन्होंने इतनी आपकी बातें की, मैं क्योंकि लाइव तो देख नहीं सकी, मैंने फिर वो ना यूट्यूब पे निकाल के देखा. बहुत बहुत शुक्रिया बेटी. नहीं नहीं, शुक्रिया नहीं, आप डिजर्व करती हैं. हम तो आपको जानते हैं जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, सभी से आप लोगों के सामने ही मैं भी ग्रो अप किया हूँ. बिल्कुल. अच्छा, क्योंकि मैडम जी मैं जब अमर से मेरी मुलाकात हुई ना, तो मैं इनके साथ जब हम शुरू में हम इनको मैडम मैडम, वो ऑडियंस में मैडम कहते हैं, हम आपके सामने हम मैडम कहते हैं क्योंकि मेरे डायरेक्टर भी रह चुके हैं. हाँ. तो और जाहिर मेरी तो एक नेचर है, सबको इज्जत भी देता हूँ. जब मैंने काम इनके साथ किया ना, तो ये मुझे कहती थी कि ऐसा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह ये आजकल के लड़के लड़कियाँ डिग्रीज लेते हैं, पढ़ते हैं और फर फर अंग्रेजी बोलते हैं, पिट पिट अंग्रेजी, और फिर उनका हुनर भी हो उनमें और काम भी. तो फिर जब मैंने एक दिन चैनल लगाया तो अमर बैठी हुई थी. मैंने कहा यार ये कौन लड़की है? मैंने उनको फोन, मैंने कहा फ्रिया पर ये आपकी बेटी है. इन्होंने भी दिन रात एक करके हाँ, उस बच्ची को, और अब वो फिल्म कर रही है माशाल्लाह. शी इज मल्टीटास्किंग. अच्छा जनाब, तो आपसे आप पहला अब शुरू करते हैं, वापस आते हैं आपकी जानेब. आप ये बताइए कि फिल्म डायरेक्ट करने में, फिल्म में एक्टिंग करने में, प्रोड्यूस करने में या गाना पिक्चराइज कराने में, किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं तो सारे काम किए और सारे अच्छे लगते हैं. सारे अच्छे लगते हैं. कोई एक का जो बहुत अच्छा लगता हो? डायरेक्शन अच्छी लगती है. डायरेक्शन में क्यों? हाँ, डायरेक्शन में लोगों को जरा डांटती रहती है ना, जरा रोप जमा के रखती हैं, खींच के रखती है सबको. नहीं? नहीं नहीं. अच्छा, मैंने सुना था, वैसे सच नहीं होगा, कि आपने कभी किसी हीरोइन को एक दफा मारा था बड़ी देर से आई थी सेट पे? एक को नहीं, दो तीन को मारा. कमरे में भी बंद कर दिया था, ये भी बताया. किस वजह से? लेट आने में. अच्छा, मेरी एक ही कमजोरी है. हाँ, कि तो मैं पता है कि कोई लेट हो शूट पे, हाँ, शूटिंग पे, कि आपने एक पूरा सेटअप किया हुआ है, एक सेट लगाया हुआ है और आप हीरोइन हीरो को नहीं मारा होगा कभी. तुम जिस फिल्म में थे उसमें भी मारा था मैंने. अब मैं इतना ज्यादा भी नहीं बताना चाह रहा कि वो इन्होंने कुछ पता नहीं कमरे में से मुझे शोर की आवाजें आई एक दिन, है ना. तुम्हें तो पता होगा, टॉम एंड जेरी वाला सीन हो गया. जब आवाजें आई तो हम छुप गए, हमने कहा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो आई वाज वेरी लाइक जूनियर एंड यंग, मैं तो डर के गायब हो गया. अमेरिकन लोजी डायरेक्टर जो है वो, तो वो एक हीरोइन थी जो जागी नहीं रात को, सुबह उठी नहीं, उनका कॉल टाइम था, तैयार नहीं हुई, और इन्होंने जब तैयार होके उसको एक घंटा लगवा के सेट पे भेजा जो एक घंटा दूर था, तो पता चला वो कंटिन्यूटी कपड़े नहीं. तो ये भी एक एक्सपीरियंस है. आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं, कभी भी नहीं. नहीं होता था. उन्होंने भी तो गलती की ना, उनको आइडिया होना चाहिए था कि बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे ये सारी हरकतें जेब नहीं देती. बिल्कुल, ऑफ कोर्स शी डिजर्व्ड इट. अच्छा, कौन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस रह चुकी है अब, जो आपके जमाने में आपसे पहले जो इंस्पिरेशन हो, आप उसको देख के कहते हैं कि मुझे ये बनना है? इनको हमेशा से संगीता ही बनना था. कोई इंस्पिरेशन नहीं? अच्छा, है ना, आपके घर में कविता सुपरस्टार, और मुझे नहीं, मैं नहीं जानता कि आज के यंगर जो जनरेशन को शायद ना मालूम हो, बट मालूम भी है. और कविता और संगीता दोनों, देव बीन द बिगेस्ट लीडिंग लेडीज. सो हाउ वाज इट फॉर यू टू लिव इन दैट हाउस एंड देन कम इन द फील्ड लेटर ऑन? आई थिंक आई वॉज ऑलवेज रेज्ड एज अ वेरी नॉर्मल किड.
with lots of love, lots of affection from everyone. मतलब सब ने मुझसे हमेशा बहुत प्यार किया. इनसे बड़ी अटैचमेंट थी क्योंकि एक तो डिफरेंस, एज डिफरेंस बहुत था, ऊपर से फिर शी इज़ फेड मी इवन, बस इनकी बड़ी बेटी और मेरी एक एज है. अच्छा, जी तो मेरे लिए तो माँ भी माँ की तरह भी है और बड़ी बहन भी है मेरी, तो वो ये बहुत प्यार करती थी. मतलब सारे भाई बहनों ने बहुत प्यार किया. और फिर घर में आई वॉज लाइक वन ऑफ दोज किड्स जो जरा शायद ओवर प्रोटेक्टेड था, कि जिस पे सब की नजर होती थी. मैं बताती हूँ ना इसकी बातें छोटी सी थी. अच्छा, मैं और कविता बात कर रहे हैं, इसके कान ये होते थे. अब हमने कहा सुन रही इशारे कर रहे, हम और खुसफुस करके बात करें तो ये लेट ही जाती थी यूं करके. इसकी इतनी आदत कि ये बातें क्या कर रही है, क्या बात कर रही है, ये भी जरूरी है, सुनना जरूरी होता था. और नाम मेरा ये था अम्मी की जासूस. तो जब जितने लाड और ख्वाहिशें पूरी करने में, ये भी कविता भी, वालदा भी, मार भी बड़ी पड़ती थी. मुझे अम्मी से कभी नहीं, लेकिन बाजी कविता से तो काफी दफा मार पड़ चुकी. मैंने कभी नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं मारा. नहीं, इन्होंने कभी गुस्सा हमारे, हम दोनों का बड़ा एक समझते लव एंड हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो होता है ना, जो दोस्ती जिसमें बहुत होती है. झगड़े भी हमारे होती थी ना, बस मेरी जान निकल जाती थी. वी हैड आवर डिफरेंसेस बड़े होने के बाद या फील्ड में आने के बाद, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुली. कभी भी हिम्मत नहीं ऐसी हुई कि कोई ऐसी बात कहूँ या मुझे. इन्होंने भी कभी ऐसी सिचुएशन कोई नहीं दी. अच्छा फ्रिया आपा, इतनी अच्छी अदाकारी, इतनी जबरदस्त अदाकारी, आपने किरण खेर के साथ काम किया एक इंटरनेशनल फिल्म में, और उन्होंने आपकी तारीफ की इतनी ज्यादा, और ये सब नेचुरल टैलेंट है आपके अंदर. हाँ बेटे, हालात ने सब कुछ सिखाया. कोई इंस्पिरेशन थी कि ये वाली अदाकारा जो है मुझे इस तरह का या इस तरह से लेवल ये करना है? बहुत सी, बेहद. खास तौर पे उस दौर में मुझसे पहले जो, मतलब मुझसे थोड़ा अरसा पहले जिन्होंने काम किया था, जिनको देख के मैं आई, वो थी आरिफा सिद्दीकी. ओह, व्हाट अ वंडरफुल एक्ट्रेस. बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी आर्टिस्ट. तो खाला जी जब उसको सिखा रही होती थी ना. अच्छा. क्योंकि मैंने तो यहाँ पे, हमारी खाला जी, आप उनकी वालदा को कह रही हैं, तलत खाला, तलत साहब. तो पहले ये रिवाज होता था कि पीटीवी के दौर में जी तीन तीन रिहर्सल्स हुआ करती थी. बिल्कुल. तो अब तो बच्चे जो हैं वो ना सीखते हैं ना कुछ, कह माँ बाप की मानते हैं. तो खाला जी ना उसको बताया करती थी, आफी जुमला इस तरह नहीं, इस तरह बोल रहे. अच्छा. हालांकि वो माइंड करती थी. अब जैसे बच्चे आजकल, हमारे बच्चे कहते हैं आप तो चुप करें. हाँ. आप तो चुप करें ना, हमारी इस तरह. अच्छा, वो सिखा आरिफा को रही होती थी, लेकिन सीख मैं रही होती थी. ओके. क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था. सही. तो इस तरह हालात के साथ 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 खुद ही आ गया काम करना. अभी तक वैसे सही तरह आया नहीं, लेकिन नेचुरल एक इनबिल्ट तो होता है इसके बगैर. हमारे दौर में तो हमारी माएं साथ होती थी ना. सही. बिल्कुल. उन्होंने ही बाल बनाने, उन्होंने ही कपड़े पहनाने, तभी भूत नहीं लगते थे आप लोग. क्यों बड़े प्यार, हमें कुछ नहीं पता होता था, उनको ही पता होता था सब कुछ. अम्मियों को पता था. फ्रिया बा, आप कैसे फील्ड में आई इसमें? कोई लिंक, जैसे इनके तो वालिद साहब भी प्रोड्यूसर थे, इनकी वालदा भी प्रोडक्शन में थी, फिर फैमिली पूरी, तो एक लिंक बनता है. आपको कैसे लिंक? मेरे अब्बा बहुत पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब के जब मैं पैदा हुई हूँ ना, उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल छोड़ दिया था. फिर वो बीमार हो गए. वो थे फिल्म लाइन में. बॉम्बे भी उन्होंने काम किया. अच्छा. उनका फिल्मी नाम था साजन बाबू. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये देवानंद, सुना हुआ है मैंने, देवानंद हो गए, बलराज सानी जो हो गए, वो उस दौर में उनके साथ उन लोगों ने काम किया. ठीक ठीक ठीक. तो वो एक लिंक बनता है फिर. वो एक लिंक बनता गया. वो फिर अब निकाली है सारी चीजें. मैं तो जाहिल सी थी ना. अमर ने निकाली है अब उनकी सारी चीजें, वो तस्वीरें. उसमें नीलो बेगम है, वो यूं करके बीच पे वो पहना हुआ उन्होंने ब्लाउज सा और यूं करके, और एक निराला होते थे आर्टिस्ट, कॉमेडी सारी पुरानी. जी जी, वो सारी चीजें रखी हुई है. लेकिन वो जैसे मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि अमर भी आए इस फील्ड में. सही. क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी थी. मेरा ये फोकस था कि मेरी बेटी जो है ना, वो ये ड्रामे श्रामे ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे. और तो और मैं अपनी वालदा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा को भी एक माँ हुआ है, उनकी डेथ हो गई. तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस. हाँ. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी रहती. हाँ जी. तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा जब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अमर को पाला तो मेरी अम्मी ने ही था ना. मैं तो सिर्फ काम करती थी बाहर के, पैसे कमाती थी, और सारी जो तरबियत थी ना वो मेरी वालदा करती थी उसकी.
तो जब उसने यहाँ कराची आई, कराची मूव किया, तो मुझे कहने लगी कि तब उसने मुझे बताया कि मैं चुप करके कुंडियाँ लगा लगा के ना डांस भी बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ वो। मैंने कहा कहना क्या चाहती हो? कहती है जी मैंने तो एक्टिंग करनी है। मैंने कहा बेटा तुमने पढ़ के दिखा दिया ना, अब जो तुम्हारा दिल चाहे ना अब तुम योर चॉइस। तो मेरी माँ कहने लगी मुझसे, अब नानी से पूछना तो बहुत जरूरी था, असल तो माँ वो थी। तो मैंने कहा अम्मी जी वो बच्ची अमर कहती है कि मैं काम कर लूं। तो मेरी अम्मी कहती आगे से बेटा गल है वे कि जे तू कुड़ी नू अपने वाले काम में ही पाना सी ते एनू एना पढ़ाने की जरूरत की सी। मतलब पुराने ख्यालात के पुराने लोग, बड़े लोग जो थे बेटे वो माइंड करते थे कि इस फील्ड में आना, उनका मतलब ये था कि अगर अच्छी जॉब आया है तो इसको बैंक की नौकरी करवाओ। ठीक है, गौर करो नजर आने की बात, सही सही कि ये बैंक या ये कहीं हेडमिस्ट्रेस लगे या ये कोई क्लरिकल जॉब, कोई ऐसी ऑफिस की जॉब। हां जी, नो हमारे दौर में तो सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, हम लोगों को मिलना ही छोड़ दिया बिल्कुल, किन से मिलना तक नहीं मिलते। अच्छा, किसी के एम्बैरेसमेंट भी सब ज्यादा था एक जमाने में, बिल्कुल सही है। अब चीजें चेंज हो गई, अब चेंज हो गई। पहले प्रोफेशन की वजह से नहीं मिलते थे, अब जेलसी की वजह से नहीं मिलते। ये भी एक वजह है, वो हो जाता ना जब, हालांकि शौक तो सारों को बड़ा होता था तस्वीरें साथ बनवाने का। अच्छा, शौक सबको होता, देखते भी सब हैं, लेकिन वो आपको बुरा भी कह देंगे। किसी शादी में चले जाओ, किसी फौदगी में चले जाओ, टक 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 वही तस्वीरें बना रहे हो। प्रॉब्लम ये माइंडसेट ही आती है, माइंडसेट ही यहां पे लोगों का कुछ अजीब है। अभी मैं उमरा करने गई तो मैं तवाफ कर रही हूं, वो तस्वीर यार देखो ना लोग, मैंने कहा बस कर दो वही, यहां तो छोड़ दो तस्वीर। अच्छा, वहां पे जाके फिर आप इंसान थोड़ा कंफ्यूज ही होता है कि इनको अगर डांट दिया तो कहीं ऐसा ना फील हो कि हम एरोगेंट है, क्योंकि एक ऐसी जगह है कि वहां पे फोकस सिर्फ एक होना चाहिए। दुनिया भूल जाता है इंसान, दुनिया भूल जाता है बिल्कुल, है ना। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मतलब इट्स वेरी सैड कि खुद ही इस बात का जो है ना थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर हम यूज कर ले, हम ऐसी मुकद्दस जगह पे अल्लाह के घर में, जी हाँ, तो वहाँ पे तो ये चीजें ना खुद बनाए ना किसी और को अलाउ करे। चाहिए कि अरबपति लोग हैं लेकिन उनको कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये तो है। हाँ, तो अल्लाह की एक ब्लेसिंग है, बिल्कुल सही है। लोग पैसे दे दे के, कुछ सियासी लोग पैसे दे दे के मशहूर होते हैं। अच्छा, मुझे पता है अभी क्या कर रही है, कोई डायरेक्शन करने का प्लान है, क्या कर रही है, कोई एक्ट कर रही है, एक्टिंग किसी प्रोजेक्ट में कर रही है आजकल, या जरा घर लाइफ एंजॉय कर रही है? नहीं, घर मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है घर में जो खाने बना के खिलाती हैं, नहीं नहीं खिदमत करती हैं, पाँव वाँ दबा रही हैं, कोई आपके दबा रहा है? नहीं, मैं तो अपनी सुबह मेरी मसाज वाली आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत कोई कर रहा है? नहीं यार, ये क्या है यार, मैं हमने तो कुछ और ही सुना, लेकिन मैं अभी अमेरिका बेटी के पास गई। अच्छा, ठीक है, बस ये बच्चों में बटी हुई हूँ बस अभी तक। अच्छा, लोग कहते हैं कि बच्चियों की शादी हो जाए तो फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाते, अल्लाह माफ करे, कोई फ्री नहीं होता, और उसके अंदर चले जाते, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो याद आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस फील्ड में खवातीन के बारे में कहा जाता है कि मैरिज लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। हाँ, नहीं होती, तो क्या वजह है इसकी, आप क्या कहेंगे? जेलेसी, आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बीवी कोई इतनी मशहूर हो या कोई उसको, इवन मैं साथ अगर चल रही हूँ तो किसी ने कह दिया संगीता इसने क्यों कहा मुझसे लड़ रहे, भाई मेरा क्या कसूर है, वो तो हूँ मैं। हाँ, वो तो आप हैं, नहीं पता तो फिर शादी करते नहीं पता चला कि संगीता से शादी कर रहा हूँ, बाहर गाड़ी में बैठे रहते थे। शादी कर लो, बाद में जेलेसी। ये है मसला एहसन, हमारे यहाँ ना एक माइंडसेट ही इस तरह का है कि नॉट ओनली वुमेन हु आर लिंक टू दिस फील्ड इन पर्टिकुलर, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अगर औरत अपने शोहर से कहीं ज़्यादा कामयाब है, हाँ, करियर में या किसी भी चीज़ में या खूबसूरती में उससे दो हाथ आगे है, तो मैन वुड बी इनसिक्योर, they would not like not anyone appreciate only pakistani not everyone nahin, yaar, only ye, please, pakistani not, not everyone nahin, aisa, pakistani nahin, nahin, aisa, dekho, aisa, dekho, aisa, nahin, aisa, nahin, aap shayad sab nahi acche bhi hain bure bhi hain, aap shayad isliye aasani se baat keh sakte ho, you've also been raised in the west, to aapko nahi andaaza, lekin bahut majority mein jab hum dekhte hain na ek certain tabqe ko usme ye problem hai,
अगर मतलब बिल्कुल हर जगह उनको चाहिए कि जी बीवी बिल्कुल दब के बैठे, जो कि मैं कहती हूँ ठीक है, अगर आपका मियाँ सब कुछ कर रहा है आपको उसकी सुननी भी पड़ती है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, लेकिन किसी की पर्सनालिटी को शैटर करके अगर आप ये कहें कि नहीं जी इसको ये बदल डाले, या औरत भी कहे कि मैं मर्द को बदल दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, गलत है, गलत है, बिल्कुल सही वही ना, तो अच्छा, ये बैलेंस नहीं रखते लोग। सही, आपकी फैमिली, आप सिंगल पेरेंट, आपने अमर को पाला और बहुत मेहनत की, कैसी फैमिली लाइफ थी, कुछ बताएंगी कैसी फैमिली है, कुछ बताना चाहेंगे अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, कि किस तरह से आप मतलब आपने रेस किया अमर को, बहुत मेहनत की, मैं आपकी एक्चुअली ये सुनना चाह रहा हूँ कि आपके मुंह से मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है ये बात तो बहुत दफा हो चुकी है और अच्छा। सबको पता है इस बात का, क्या कि जैसे हर माँ बाप, मेरा ख्याल है हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है ना उससे अच्छा हो, उससे ज्यादा लाइक हो। मुश्किल हुई जिंदगी में काम करने में? मुश्किलें तो ऐसी पड़ी कि पूछे कुछ ना बेटे, मुश्किलें तो मैंने देखी सब, मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन उन मुश्किलों के बाद जो है ना उसका अगर आपको अजर मिल जाए ना, हाँ, तो वो तो अल्लाह का खास करम सब, ब्लेसिंग, तो मेरे परवरदिगार ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा नवाजा। अब ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये नबी के सदके में बहुत ही रहमतों वाला, बहुत ही रहमतों वाला, मतलब सारी जिंदगी ऐसा मैंने इतना सुख नहीं देखा होगा जितना इस बेटी की सूरत में मुझे अल्लाह ने दिखाया है। अब तो मुझे यहाँ तक वो कहती है कि भाई आप काम ना करो, मैंने कहा नहीं बेटे अगर घर बैठ गई तो बैठ ही जाऊंगी, मुझे मेरे लिए अब करने दो काम ना, कि मेरा दिल लगा रहे थोड़ा सा ना। सही, तो बस बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। चलिए, जबरदस्त है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, एक ब्रेक का हमारे वक्त हुआ है अब, क्योंकि इतनी एक ऐसी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई ना तीनों से ही, और आई थिंक आपसे भी इनसे भी अरसे दराज बाज मुलाकात हुई है, तो वो दिल करता है कि बातें करते चले जाएं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। बॉल नाइट्स विद अहसन खान आप देख रहे हैं, और ये देखें हमारी प्यारी प्यारी इस फील्ड की जो खूबसूरत तरीन ख्वातीन हैं, इनकी फैमिली लाइफ को, इनके बारे में हम जान रहे हैं, इनके थॉट्स हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, कुछ कह रही थी आप मुझे? मैंने कहा आजकल आपका मैं देख रही हूँ कि आपको फिल्म कर रहे हैं ना। हाँ जी, आप फिल्म की शूट चल रही है, एक दो फिल्में हैं माशाल्लाह, एक तो साइन की भी वो भी शुरू होगी, और एक आजकल चल रही है माशाल्लाह, उसके साथ वो काम शाम बस चलता रहता है, शुक्र है मालिक का। अच्छा, हमारा सेगमेंट तो बड़ा अच्छा, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका आज तक का फेवरेट काम कौन सा है आपका अपना, जो काम आप कहेंगे ये काम मेरा बड़ा एक आला किस्म का? कुछ तो होगा यार। अच्छा, किसी ने अभी, किसी ने कोई आपको देख रहा है और वो कहता है मैंने फरिया जबीन का काम देखना है अभी, तो क्या उसको बोलेंगे, क्या देखना चाहिए उसको अभी, अभी दिखाने के लिए? हाँ, अभी अगर किसी, अभी अहसन खान जो भी कह दे मैं दिखाने को तैयार हूँ। एहसन जान है हमारी, ठीक है, वो तो सही है, ये दिखा भी देंगे। नहीं ऐसा नहीं, डांस वांस नहीं, ऐसा हाँ, नहीं कह रहा, लेकिन वो कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट ड्रामा जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, आपकी एक फिल्म है जो मैंने देखी बहुत अच्छी, मैं चाह रहा हूँ आप बताएं उसके बारे में, जो संगीता बाजी की थी, वो भी कुड़िया शहर थी, हाँ वो भी अच्छी है, जो आपने किरण खेर के साथ, वो तो दूसरा सिनेमा है ना, पैरेलल सिनेमा, क्या नाम था फिल्म का? खामोश पानी। बहुत प्यारा काम है वो आपका, वन ऑफ द योर बेस्ट वर्क, साइलेंट वाटर। अच्छा हिना, आपका अगर कोई पूछे कि हिना आपका फेवरेट और बेस्ट काम कौन सा है, जो आपको लगता है कि मैं ये आई विल फील गुड अबाउट दैट वर्क? मैंने अब तक जितना भी किया ना, मैं समझती हूँ मेरी पर्सनालिटी से बहुत ही बरक्स, हाँ, बड़े एक्टिंग ओरिएंटेड रोल किए हैं, हाँ, और उसमें मैंने बहुत सीनियर कैरेक्टर्स किए, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, शायद मुझ पे हमेशा सारे प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है कि बहुत जिम्मेदारी वाली चीज हिना को ही दे दी जाए, वो मैच्योर जो होता है ना, जरा सेंसिबल लगती हो तो लोग कहते जरा समझ, आपको यकीन नहीं आएगा ऐसा ना, आप ही की इसकी वजह से, आपकी अम्मी के भी कैरेक्टर के लिए मुझे कॉल आई थी। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ऐसा हो चुका है एक दफा, और ये बहुत साल पहले, लोगों लड़की की शक्ल देखो, मेरी अम्मी के कैरेक्टर्स को दे रहे हैं, बट द पॉइंट इज मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, अभी मैंने वसीम अब्बास की माँ का रोल किया है, वो मुझे क्या, ये क्या, मैं कहा भाई ठीक है बेटा, यानी कि वसीम और आप एक ही एज ग्रुप, हाँ लेकिन वसीम भाई इस चीज की फिल्म वालों को तो चलो ट्रेनिंग है, फिल्म वालों को तो ट्रेनिंग है इस चीज की कि वो यंग कैरेक्टर्स भी करते हैं, टीवी में भी एक्टर जो अच्छा होता है वो कैरेक्टर जवानी में बढ़ाते का है ना, ऐसा कि दे एसोसिएट यू विद योर लुक्स, मतलब किसी भी कैरेक्टर के साथ, अगर आप मोटे हैं तो आप या तो कॉमिक कैरेक्टर कर सकते हैं जिसमें वो आपको जलील करते रहे कॉमेडी के नाम पे, या फिर आप वो कर सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना बुड्ढी का कोई कैरेक्टर कर ले, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, और हालांकि मैंने इन बिटवीन
बड़े लोगों को बहुत कुछ करते हुए देखा है, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, बट स्टिल आई एम कंटेंट विद व्हाटएवर आई एम डूइंग, और मैं खुश हूं इस खुशी से। हां, डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो कोई बताया नहीं काम ऐसा, मेरा जो सवाल था वो तो नहीं रह गया कोई ऐसा, तुम ये देख लो, तुमने मेरा ये काम नहीं देखा, ये देखो। ऐसा यादगार किरदार तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ सीरियल्स मेरे काफी सारे आए जिनमें काफी अच्छे कैरेक्टर्स थे, मगर मुझे आज तक कोई ऐसी चीज मेरी फेवरेट नहीं है अब तक। ठीक है, अभी आनी है। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा काम है जो आप बोलें कि ऐसा ये वाला मेरा काम जरूर देखना? हाँ, एक मेरी फिल्म थी पंजाबी की जुदाई, सैयद नूर मेरा बेटा बना है। अच्छा, तो दो बेटे तो छोड़ के चले जाते हैं अपनी बीवियों के साथ, तो मैं और नन्ना उस पर कहते हैं कि ये हमारा बेटा जो है ना, ये सबसे अच्छा निकलेगा, सबसे अच्छा निकलेगा। ठीक है, वो होता भी है, वो होता भी है, और वो पास होके आ रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद उसका जो जनाजा उठता है ना, उस पर जो परफॉर्मेंस थी ना मेरी, मुझे तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने जब वो किया है शॉट तो 1000 फुट उसमें होता था रोल में, वो पूरा चल गया, सब रो रहे थे और मैं भी रो रही थी, और मुझे नहीं पता किस तरह वो जनाजा भी जा रहा है, और मैं गिर जाती हूँ दरवाजे पे और पकड़ पकड़ के रोती हूँ, सर मारती। वो एक इम्पैक्टफुल अभी मुझे, मतलब पिछले दिनों निशो देख रही थी तो उसका मुझे फोन आया कि यार मैंने वो फिल्म देखी, वो तुम्हारा वो सीन देखा, तुम मार के दे रही थी। मैं कहती हूँ कैरेक्टर्स बाजी के हैं जो यादगार है, राजा रानी में भी ऐसा था, मुट्ठी भर चावल में भी, वो तो मैं समझती हूँ कि मुट्ठी भर चावल में तो बाजी वो सो यंग फॉर दैट कैरेक्टर, चलो सोसाइटी गर्ल तो फिर भी इट वॉज अबाउट पार्टीइंग एंड ऑल दैट जैज, मुट्ठी भर चावल में तो जवान बच्चों की माँ, शी वाज 19 हरसेल्फ, 19 साल की खुद थी, डायरेक्ट भी कर रही थी उस फिल्म को, तो दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग। अब ऐसे किरदार भी नहीं होते, अब तो सिर्फ माँ होती है या चाची होती है या कोई बेवकूफ वाला होती है, सफेद एक लट भी नहीं करते, हमने नहीं करना, नहीं करना। ठीक है जी, ये फिल्में हम जरूर देखेंगे आपकी। मैंने तो मुट्ठी भर चावल देखी हुई, मैंने आपकी बहुत सी मेहंदी देखी जो बहुत बात की थी, बात मुझे बहुत मजा आया, देख के और भी देखी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले एक्टिंग करने कौन जा रहा है? फ्रिया जबी, आप जाएंगी? जी जी, मेरी प्यारी फ्रिया जबी जाएंगी अदाकारी करने। आइए जी, हम नंबर बताएंगे आपको, उस हिसाब से आपने निकालना है नंबर। ठीक है, अच्छा जी, नंबर चूज करें है ना, इनको कौन सा नंबर दिया जाए? I'll choose my favorite and lucky number, number 7. Number 7. Number 7. वो पर बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं, act out करना बस। ये गाना क्या मुहावरा है? ये मुहावरा है। मुहावरा है, ठीक है, इसको आप वापस लगा दें भले। ठीक है, अब चलें जी अदाकारी जरा करके, अदाकारी के जौहर। बिल्ली सो गई है, बिल्ली बेहोश हो गई है। ओके, नींद आ रही है बिल्ली को। संगीता पा, आपको भी गेस्ट, मदहोश हो गई है, चक्कर आ गया उसको, नींद, ख्वाब, बिल्ली ख्वाब। हाँ, बिल्ली को ख्वाब में चीचड़ नजर आए, ये कितना आसान रखा हुआ था मैंने, चीचड़ों का ख्वाब। एक और निकालें, मैंने एक्टिंग इतनी अच्छी की है कि उनको समझ आ गई। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है जी। अब कौन सा नंबर आप बताएं? नंबर 2। दो नंबर, क्या दो नंबर? ऑलराइट, ये क्या लिखा हुआ है? हाय, बोलना नहीं है। ये क्या है, मुहावरा है, गाना है? क्या गाना है जी? अच्छा ठीक है, गाना आ गया, चलें एक्टिंग। रुसिया नहीं, रूठ गया तू, रूठा तो मैं, हाँ मैं रूठा था, ठीक है। अच्छा ये देखे ना, हाँ कुछ लोग रूठ नहीं, रूठे ठीक है, ऐसे ही मशहूर गाना ये देखे, ये है ना, रूठे उसके बाद ये रूठे हो तुम, तुमको कैसे बनाऊं। अच्छा ये एक तो गाने जो रूठने में बड़े मशहूर है, वेरी गुड, वेरी गुड फरिया जबी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेते हो। हाँ जी, अब कौन सा? एक और करो, एक और है ना, बता, आप बताए संगीता जी, हाँ नंबर बताए। 10। कितनी अच्छी अदाकारी, ये मुश्किल है। मुहावरा है, गाना क्या है? मुहावरा हो, निगाह ढूंढे, निगाह नजर, आ,
दूर तक फैली है। आँख तो ठीक हो गया ना? आँख हो गया। आँख ओझल, यस, पहाड़ ओझल। ल, इतना आसान यार। आ जाए वापस, वेरी नाइस, इधर आ जाए। ये याद नहीं हर किसी को, तो मुझे आ गया। हिना, हिना की बारी। आओ हिना। अच्छा, हिना मुश्किल। हाँ, हिना की बारी। हिना को सारे मुहावरे आते हैं। हाँ। अच्छा जी। नंबर सिक्स कर लें। सिक्स कर लें। Okay. क्या ये हसरी बोल? It's a song. It's a song. Song. कोई बहुत ही जज्बाती गाना लग रहा है ये। कोई कोई पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। पहले 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 इशारा कीजिए। अच्छा, कोई बैठ गया। पहले वाला इशारा कीजिए। कैसे बैठेगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ए, इस तरह नहीं। आए, तुम बैठ गए हो, मैंने तुम्हें छोड़ना ही नहीं। नहीं, फिर क्या है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। है ना? ऐसे ही। ऐसा ही कुछ है। तेरी राहों में पड़े हैं दिल काम। बैजा मेरे कोल तेनू देख। टाइम आप हो रहा है ना? ये क्या है? ये क्या कर रही है? ऐसे ऐसे क्या था? ये क्या है? आप बताएं ना, आप लोग बताएं। नहर है, ये कौन है? नहर वाले पुल पे बुला के नहीं, कोई मुड़ रहा है, मुड़ रहा है कोई? ये देखा, कोई मुड़ने का इशारा क्या? मोड़। मुझे ये पूरा गाना याद है, आप लोगों को नहीं याद आ रहा? नेक्स्ट नंबर है ना का वन। गाना है? सॉन्ग। गिटार बज रहा है। अच्छा, ये गिटार था। ऐसे कर। कोको कोटीना। लाजी को भड़कता हुआ गाना भी आ जाए, है ना? अब मैडम आपकी बारी है। जाइए, कोई बात नहीं, आए मैदान में। यार कोई पंजाबी गाने रखा, आपको पता नहीं था ये खवातीन ने पंजाबी गाने कर वो ऐसे रख दिए कि जैसे वो पता नहीं क्या, वो आसारे कदीमा से कोई आ रहा है। आसारे कदीमा का नंबर बताएं मैडम संगीता के लिए। नंबर 5 कर लें। अच्छा, चलो। इट्स अ सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग है। ओके, मशहूर है? हां मशहूर है। ठीक है। टाइम टाइम चल रहा है। एक है एक, हाँ। एक एक शैचन। उर्दू गाना है। उमरिया? नहीं नहीं, पंजाबी का नहीं, उर्दू का। उर्दू का, सॉरी। ये क्या, ये गोल क्या है? पहले एक्शन बताएं। घड़ी है, घड़ी है। अच्छा, घड़ी पे एक बजाय चूहा नीचे, क्या है? नहीं नहीं, घड़ी एक बजाए और दान मगर ना आए तो एक और चलो जी। एक और नंबर चूज करें। 8। नंबर 8 नहीं हुआ, नहीं हुआ ना अभी तक। अच्छा, फिर फंसे। क्या ये? क्या मुहावरा गाना क्या है? मुहावरा। अच्छा, ओके जी। ये कोई डॉगी है बेचारा। कुत्ते की दुम। हा, 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 हा।
ये कैसे पता चला है ना इतनी जल्दी? उन्होंने दुम कर दिया था पहले उन्होंने। सही है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कभी सीधी सीधी नहीं होती यार। कितना आसान है यार, ताली आ जाए वापस, आ जाए वापस, आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड जनाब, थैंक यू वेरी मच। और ये सेगमेंट हमने रखा हुआ सिर्फ हम एंटरटेन हो जाते हैं, हम जरा खुश होते हैं। इतने प्यारे अंदाज में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। जनाब वेलकम बैक, बोल नाइस पे ऐसा खान आप देख रहे हैं, और हमारी प्यारी प्यारी संगीता साहिबा और हिना और फरिया जबीन साहिबा सब हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे जल्दी से गुजर गया, मुझे लगा भी शो बहुत बाकी रहता, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि शो का टाइम खत्म हो चुका है। तो अब जाते जाते अभी तो बहुत बातें करनी थी। मुझे ये बताएं, पूछ लेते हैं आपसे, कोई आजकल की एक्ट्रेसेस उतनी ही मेहनत करती हैं जो आपके टाइम में करती थी लड़कियां मेहनत? हाँ, एक दो तीन लड़कियां जिनके मैंने ड्रामे देखे। सज्जल तो मुझे शुरू से पसंद है, बहुत अच्छी अदाकारा, और आयजा का भी ये जो देखा बहुत प्यारी लगी और बिल्कुल फिट थी उसमें, उसने एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए। और हिरा मानी बहुत जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त, आपको ये पसंद है जी, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक वो जिसने किया था लाहौर से आती है ना, सबा कमल। हाँ सबा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सबा भी जबरदस्त, जबरदस्त, ये आपकी फेवरेट है। हिना आपकी फेवरेट कौन सी है? इकरा अजीज। ओह अच्छा, आई लाइक इट। वैसे आजकल तो फेमा, आपकी फेवरेट कौन है अमर के अलावा? मेरी फेवरेट है नंबर वन सबा कमर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद सजल, फिर इकरा। ओके, आजकल लड़कों में नहीं पूछना, लड़कों में कौन आपकी फेवरेट? मेरा शहजादा अहसन खान। ये इसलिए नहीं, ये सामने बैठा हूं इसलिए कह रही हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी आपसे बात ही नहीं हो सकी, फोन पे भी बात हमारी नहीं हो सकी। आप माशाल्लाह से बिजी होते हैं इतने कि मैं नहीं ये मुनासिब समझती कि आपको तंग किया जाए, लेकिन जो आपने उधारी किया था ना, यस, वो मेरी तरफ आपका एक उधार था। वो पता है क्या था? जो मैंने आपको कहना था, उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसमें अपने पास से जो आपने चीजें डाली हुई थी, एक आर्टिस्ट को इतना तो पता होता है ना कि ये राइटर ने लिखा हुआ, ये एक्टर ने बोल दिया, ये डायरेक्टर ने कहा, ये यूं हो गया। अब एक्टर ने अपनी जो पटारी खोली हुई है वो क्या है? तो वो अहसन खान। थैंक यू, पता है क्या, सब दुनिया तो जानती है हीरोशिप में हो, ये बिल्कुल तुम्हारी बॉडी हट के करना, ये बड़ी बात है, डिफरेंट चीज थी। सही, और उसका एक मजा भी, उसका एक तो वही होती है ना, बिल्कुल बड़ा मजा उसका आता है, उसका फिर रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, जबरदस्त। जाते जाते हमारे जो लोग हैं इतना प्यार करते हैं अपने फैंस को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमेशा अपनी दुआओं में, प्यार में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बिल्कुल सही, दुआएं बहुत जरूरी थे। हिना क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलती हैं उनको इतनी उस पर डिबेट ना शुरू कर दिया करें। कभी किसी के बारे में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उस पर लोग जिस तरह से बदतमीजियाँ शुरू कर देते हैं, दैट्स नॉट वेरी हेल्दी। इट नेवर शो साइंस ऑफ अ हेल्दी नेशन कि आप अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो, आप तो अपने अखलाकियात को ना छोड़िए ना, सही, बाकी तो अगर कर ही रहे हैं कुछ, चलो किसी से गलती अगर हुई है, बड़ी चीज़ों को देखें, दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना, सिवाय इसके कि एक्टर्स के या सिंगर्स के या किसी भी मॉडल के पीछे पड़ जाए। तो सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, और अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले येलो जर्नलिज्म होती थी, सही, इस तरह अब सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आई स्ट्रॉन्गली डिसलाइक इट। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो ये कहूँगी कि अंत तक अगर इंसान मेहनत करे, किसी से हसद ना करे, किसी से ना जले, सब में खुशियां और प्यार बांटे, तो खुशी का मतलब खुशी ही मिलेगी आपको, मेहनत का अजर मिलता ही मिलता ही, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत खूब, मेहनत का अजर तो मिलता है। अच्छा एक और मैं सवाल मेरे जहन में आपसे आया, एक्ट्रेसेस बनने के लिए आजकल जिस तरह से हर एक का अपना एक फोकस और स्टांस है, कोई एक्टिंग में बहुत फोकस करता है, कोई कपड़ों में बहुत फोकस करता है, कोई सोशल मीडिया पे फोकस करता है, आप जिस तरह से यू हैव बीन अ हीरोइन एंड लीडिंग हीरोइन, न्यूडिटी या कपड़े छोटे पहनना और दिखाना वो जरूरी है क्या एक्ट्रेस बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है अपनी एक्टिंग को फोकस करना,
ठीक है। और ड्रेसेस के लिए हमारे दौर में तो ड्रेसेस के लिए एक औरत अलहदा होती थी जो हमें ड्रेस बनाती थी फिल्म के, और अब भी है लेकिन कैरेक्टर को समझ कर नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, ड्रेसेस पे ज्यादा जोर है। फिर सबसे बड़ी बात है जब मैं अवार्ड्स पे लड़कियों को देखती हूँ ना, मैं बड़ा अजीब फील करती हूँ, मतलब आप हॉलीवुड को क्यों कॉपी कर रहे हैं, आप अपने उसमें ने आप अपना चूड़ीदार पैजामा पिशवाज लंबी पहने, लंबे दुपट्टे पहने तो इतनी हसीन लगती हैं आप, वो मैक्सियाँ पहन कर आती हैं छोटी छोटी, टांग नंगी हो रही है, बैक नंगी हो रही है, बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगता। आप अपना कल्चर छोड़ के आप दूसरों का अपना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत होना चाहिए, टू मच ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने कल्चर को भी देखते हुए चीजों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है जी, काम जो है वो उसमें जिस तरह आपने कहा मेहनत जरूरी है और अपनी एक्टिंग स्किल या जो भी आप काम करते हैं उसमें फोकस करना उसमें जरूरी है। आप दाएं बाएं चीजों पे फोकस कम करें, अपने काम में ज्यादा फोकस करें तो वो फिर निखर के सामने भी आता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, यानी वो देर पा रहती है। अच्छा नहीं ना लगता इंसान टांगे वाले की बेटी का रोल कर रहा हो और नीले रंग के लेंस लगा के आ जाए, अच्छा नहीं लगता ना बेटे, लोग देखने वाले लोग ज्यादा समझदार हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल सही है, तो ये अच्छा नहीं लगता। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच आपका संगीता आपा, बहुत शुक्रिया है ना आपका, फरिहा जबीन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग खुश रहें हमेशा, इसी तरह काम करते रहें, मेहनत करें, और आई जस्ट विश एंड होप द बेस्ट फॉर यू, और जो जो आपकी ख्वाहिशात है वो पूरी होते रहें। थैंक यू। अच्छा जनाब, आप इस शो का मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी आपसे मिलवाएंगे आपके फेवरेट पाकिस्तानी स्टार्स, और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।